हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 क्या बोलता है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। और ये कौन से आर्टिकल्स के अंडर आता है? अंडर आर्टिकल्स 308 टू 323, मतलब 308 से 323 तक आता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं UPSC एंड SPSC, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं दो अलग से वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिक्स ना हो, क्योंकि इनमें एज, टेन्योर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मिक्स हो जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये वो टेस्ट होता है जिसको क्लियर करके आप IAS, IPS, IRS ये सब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि UPSC आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये पता होना चाहिए। ये है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, जो SSC का एग्ज़ाम है वो भी UPSC वाले ही कंडक्ट करवाते हैं, आपको पता ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेसी जुडिशियल है, जुडिशियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरह की बॉडी है? और नीचे चार चीज़ों के नाम दे दिया, जैसे कोई फाइनेंस कमीशन दे दिया, UPSC दे दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे दिया, इलेक्शन कमीशन दे दिया। इस तरह से कुछ चार ऑप्शन होंगे, फिर पूछते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी ये है, वो है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी है, कमीशन है, वो कैसी है। तो ये पूरी तरह से संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 तक UPSC से डील करते हैं। टोटल तो पार्ट जो 14 है इसमें 308 से 323 तक आते हैं, बट UPSC के अंडर आते हैं 315 से 323 तक, अबाउट UPSC इन डिटेल। ठीक है, अब इसमें एक चेयरमैन होता है प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि UPSC में एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेंबर्स होने चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, दिस पावर इज़ वेस्टेड टू प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो UPSC में कितने मेंबर्स को रखना चाहता है। दूसरी चीज़, ये ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, चाहे चेयरमैन है चाहे मेंबर्स हैं, सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होंगे। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी, लेकिन जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे उनका 10 ईयर दे शुड बी 10 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो भारत सरकार के अंडर या किसी राज्य सरकार के अंडर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, हाफ मेंबर्स को। ठीक है, अब टेन्योर की बात करते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और उसके बाद से मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं कोशिश की है कि सब टॉपिक्स अपनी तरफ से अच्छे से समझा सकूं, और उन सबकी वीडियोज़ मैंने सिक्वेंस में लगा के प्लेलिस्ट क्रिएट की है। और आप सब कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपको सिक्वेंस में नहीं मिलती, क्योंकि एट अ टाइम मैं 2-3 सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, लेसन प्लान, HPG के सब अपलोड करती रहती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स शुरू से लेके अभी तक सारे सीक्वेंस में लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, ओके फाइन, हम जरा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम बात कर रहे थे टेन्योर की, किनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, कोई पर्सन है, मान लीजिए उसकी अपॉइंटमेंट होती है 60 ईयर्स, 60 साल का है वो, उसकी अपॉइंटमेंट हुई, यहाँ पे बन गए वो चेयरमैन या मेंबर। अब 60 साल के हैं वो, तो जैसे ही वो 65 साल के होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 ईयर्स ही वाई है, 64 नहीं है, 6 ईयर्स है ये। अब वैसे तो हम सोचें कि वो 60 साल की उनकी जॉब लगी या वो मेंबर बने, कमीशन में आए, तो 66 साल के रिटायर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे या 65 साल की एज, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर है रिमूवल, उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, ईदर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, या वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे, और प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम, या फिर प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, एंड आगे के दो हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर आप उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसकी मैं मिनट, ओके, अगर आप उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेस पे कर रहे हो रिमूव, देन प्रेजिडेंट नीड टू सेंड द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। तो मैटर जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होगी इंक्वायरी, एंड द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन वुड बी फाइनल, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नॉट एबल टू बी रीअपॉइंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट,
फाइनेंस कमीशन में क्या पढ़ा था, दोज पीपल आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट एबल टू बी रीअपॉइंटेड, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एक बार ये यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन गए उसके बाद बात खत्म, ये कहीं और जॉब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल सर्विसेज के बारे में बताया है कौन कौन सी हैं, पुलिस है, फॉरन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। हम कन्फ्यूज जाते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस आता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है मेन में, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आता है, इंडियन फॉरन सर्विसेज आता है और इंडियन पुलिस सर्विसेज आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसके अंडर इसे बनाया गया है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विजुलाइज करता है यूपीएससी को टू बी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो होती है ना स्टेटमेंट्स, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी होती है या फिर जस्ट एक समझ लेनी कि वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम जो है इंडिया का उसका यूपीएससी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। नाउ पे, सर्विस कंडीशंस, ट्रेनिंग, केडर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैंडल की जाती हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इंडिया में, पर्सनल एजेंसी क्या होती है, जो ट्रेनिंग एंड ऑल प्रोवाइड करवाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बना कब था यूपीएससी, तो ये 1 अक्टूबर 1926 को बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, अब आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कटिंग मैंने यहाँ पे की है, जिस टाइम पे मैंने नोट्स बनाए थे आई थिंक 2019-20 के टाइम पे बनाए होंगे या 20-21 में, तो अरविंद सक्सेना थे उस टाइम पे। फिर काट के मैंने नाम चेंज किया क्योंकि वो चेंज हुए, प्रदीप कुमार जोशी हुए। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार देखिएगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि चेयरमैन कौन है, आप एक बार कंफर्म कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है इस टाइम यूपीएससी के चेयरमैन। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे, देखिए 1926 में हमने पढ़ा कि 1 अक्टूबर 1926 को बना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बट जब 1926 में ये बना था कमीशन, तो इसका नाम था सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, उसके अंडर इसका नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने पूरा पूरा लिखना है जब नोट्स बनाने, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बनाना ही प्रेफर करती हूँ। देन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, यूपीएससी को दिया गया, इट वॉज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसे संवैधानिक स्टेटस दिया गया, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रोल बताया है दैट मैटर्स रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ पेंशन, अवार्ड्स इन रिस्पेक्ट टू इंजरीज सस्टेन ड्यूरिंग सर्विस अंडर गवर्नमेंट, पेंशन से रिलेटेड मैटर्स भी इनके पास हैं। प्लस किसी को अपने जॉब के टाइम को इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे क्या उनको हर्जाना देना है, वो भी इनके पास है, इनका काम है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी का कंसेप्ट हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब आप देख रहे होंगे कुछ और नोट्स भी मैंने इसके साथ में बनाए हैं, ये क्या है, ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताया है यहाँ पे, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब आया तो उसके बाद जो यूपीएससी का काम था वो थोड़ा कम हो गया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फिर हम अलग से कवर नहीं करेंगे, इवन अलग से भी मैं इसको पढ़ा दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिलहाल हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एमर्जेंस ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना, 11 फरवरी 1964 को। इट अफेक्टेड द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स, जो डिसिप्लिनरी मैटर्स थे उसमें इसके रोल को काफ़ी इफेक्ट किया यूपीएससी के रोल को सीवीसी ने। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या है, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, इंक्वायरी करना। सो विजिलेंस कमीशन एक गवर्नमेंट बॉडी है टू एड्रेस गवर्नमेंट करप्शन, यस मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो सरकार के अंडर करप्शन है ना उसको एड्रेस करना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाउ ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये कि कब बना, क्यों बना, किसके रिकमेंडेशन पे बना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एडवाइस पे बना था, और इस कमेटी के हेड कौन थे, के संथनम, या प्रोनंसिएशन आप देख लीजिएगा। फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, NS राव हम पढ़ते हैं, बट हमेशा पूरा नाम पढ़ना, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है, चार ऑप्शंस आए थे और चारों में जो फुल फॉर्म था वो फिर पता ही नहीं चला कि नाम कौन से, क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो इनका जो फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे वो थे नितूर श्रीनिवासा राव। इसमें क्या होते हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, मतलब एक चेयरमैन होता है, प्लस नॉट मोर देन 2 VCs, दो विजिलेंस कमिश्नर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर्स होंगे। करंटली भी आप इस पर रिलाय मत कीजिए, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, देखिए पहली चीज़ तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होने वाली है।
और इसी के साथ एक और बात, मेन बात ये है कि मैं अपने चैनल पे HPGK के नोट्स प्लस जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने चैनल पर DLED या GBT लेसन प्लान्स भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे साथ, ज़रूर बने रहें। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।